दिन 3 दिन के अंदर ट्रेन हो गया मेरे से। ऐसा लविंग बकरा आप लोगों को कम ही मिलता है। कभी कभार ऐसे बकरे होते हैं जो बिल्कुल समझते हैं इंसान को। और आ जाओ, आओ आ जा, आओ आ जा, आराम से आराम से। मुन्ना भाई, ईद कैसी गुजरी? सो सो की। अस्सलाम वालेकुम। आज है ईद का सेकंड डे और आज हमारा बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान होगा इंशाल्लाह। इतना प्यारा बकरा है, ये हमने लिया तो मंडी से था, मगर ये बिल्कुल घरेलू बकरा है। ये 2-3 दिन के अंदर ट्रेन हो गया मेरे से, और जैसे घर के पालतू बकरे होते हैं बिल्कुल ये वैसा हो गया। तो इसकी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगा। पहले तो ये बिल्कुल नहीं चलता था, थोड़ा डरा हुआ था, उसके बाद जब सेट हो गया तो अब ये बिल्कुल मुझे पहचानता है, और जैसा मैं जाता हूँ तो मेरे पीछे पीछे आता है। मैं इसको बाहर भी लेके गया था, वो मैंने शॉर्ट्स नहीं बनाया। अगर वो मैं बनाता तो बिल्कुल आपको दिखाता कि इतने सारे बकरे खड़े हैं, लोग हैं, मगर सिर्फ मेरे पीछे आ रहा था। और मैंने रस्सी भी नहीं इसकी पकड़ी हुई थी, इसकी रस्सी इसके गले में रोल की हुई थी। तो बहुत ही प्यारा बकरा था ये। इस साल की कुर्बानी ये है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इसका नाम मैंने शेरू रखा था, बहुत लविंग बकरा है ये। ये देखें क्या कर रहा है। ऐसा लविंग बकरा आप लोगों को कम ही मिलता है। कभी कभार ऐसे बकरे होते हैं जो बिल्कुल समझते हैं इंसान को और उसको अपना मालिक समझते हैं, वरना बकरे कुछ होते हैं बस वो खाने पीने होते हैं और शरीफ से होते हैं, मतलब कुछ करते ही नहीं हैं और ना रिस्पांस देते हैं। मेन चीज़ होती है जानवर की रिस्पांस लग जाना। तो इसको खोलते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। दो रस्सी रोल कर दी, अब देखेंगे। शेरू आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा बच्चा आ जाओ। हाँ, यहाँ तो सामान कुछ पड़ा है, देखें। चलो फिर भी आएगा ये। आ जा मेरा बच्चा, आ जा। देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ 2 दिन के जानवर की मोहब्बत में देखें वो कितना हो जाता है। जानवर ऐसी चीज़ है, उसको पहचान रहे हो क्योंकि कौन मुझे प्यार करता है। ऐसा जानवर बहुत ही अच्छा लगता है, लविंग होता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अभी कुछ देर में ही कसाई आ जाएगा और फिर उसके बाद ये इंशाल्लाह कुर्बान होगा। तो लेट्स सी। कुर्बानी इसी को कहते हैं जिससे प्यार हो, बहुत हो। कुर्बानी का नाम ही प्यार होता है। खेलो। हाँ मेरा बच्चा, मैं ठीक है। बहुत अच्छा बकरा इस बारे में मिला है माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी तोहफे अता फरमाए करवाने के। अब इसका खाना लेके आता हूँ, इसको साथ ही लेके जाते हैं बाजार थोड़ी देर के लिए। आ जाओ आ जाओ, आओ आ जा, आओ आ जा, आराम से आराम से आराम से। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ। अभी इसको गली में ले आया हूँ, इसको खाना खिलाने जा रहा हूँ, अभी पीछे पीछे आएगा ये देखेंगे आप। आओ
वहाँ पे खून बढ़ा हुआ था, तो भाई ने बोला यार इसको नहीं लेके आओ वहाँ पे, क्योंकि मैं समझ रहा था इसको घर लेके जाता हूँ वहाँ पे, सॉरी दुकान पे इसको खाना वाना खिला के इसको वापसी लेता आऊँगा। मगर वो भाई लोग बोल रहे हैं कि यार इसको खून ना दिखाओ बिल्कुल भी, वहाँ गाय से बहू हुई है तो डर जाएगा ये। और दिखाने का मकसद मुझे ये था कि ये देखें बिल्कुल ही घरेलू ऐसा लग रहा है कि मैंने घर का बच्चा पाला है, मगर ये मंडी का बच्चा है, हमने लिया था ये, बहुत लविंग बच्चा है। आ जा ये लो खाओ। ये सामने फ्रूट वालों का कारखाना है ना, तो ये कमान जा रहा है। आ जा एक केला खाओ, आ जा आओ आओ आओ, ये लो ये लो। ये फ्रूट का गोदाम है, तो ये यहाँ से इसके नसीब में खाना था, देखते हैं आगे। बस इसका ऊपर छोड़ के फिर इसका खाना लेके आता हूँ, और इसको काफ़ी रह के खिला दिया फिर भी और खा ले भाई। मुन्ना भाई भी आ गए। मुन्ना भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? मुन्ना भाई ईद कैसी गुजरी? सो गई। बस मैंने सोचा आज इसको कुर्बान कर दूँ, उससे पहले इसको मैं गली का ग्राउंड लगवाने आया हूँ। चाणेबाजी नहीं, खाना राशिद की बकरी दिखा खुश होगा भाई, इसको थोड़ा खाना वाना खिलाएंगे और इसके फिर तब तक कसाई भी आ जाएगा। खाना वाना खा के पीछे आ रहा है, इसको ऊपर लेके जाते हैं वापसी में, रखता हूँ छत पे। और आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आ जाओ, फिर इसको खाना इसके वहाँ लेके आऊँगा, फिर इसको बंद कर दूँ। आ जाओ बच्चा मेरा, आओ 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 आ जाओ आओ 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 आ जाओ, यहाँ से आओ आओ आओ, अंदर ही है कुछ दे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पकड़ना मोबाइल, नाज़रीन देखे आपको दिखाया मैंने मंडी के बकरा, दो दिन में हमने इसको कैसे चेंज किया, दो दिन इसको मोहब्बत दी और दो दिन में खेल गया। आपने देखा भी, मैं बाहर लेके गया, काफ़ी लोग भी थे, कोई लोग थे मगर बात सिर्फ मेरी सुन रहा था। ये बकरी को आप हिला भी सकते हैं और जानवरों से मोहब्बत करेंगे तो आप बस कुछ ला सकते हैं। अभी मैं बाहर जाऊँगा खाना लेके आऊँगा, तब तक कसाई भी आ जाएगा, तो पहले इसको छत पे में रख के चला जाऊँगा। जंतर वगैरह दूसरी दुकान पे आए हैं, जंतर वगैरह दोनों ख़त्म हो गए यहाँ भी, आज इसका दूसरा दिन है। आज मौसम भी बहुत वो हो रहा है, क्या नाम है, बारिश वाला, हो सकता है बारिश हो जाए। ये भाई इसका दाना ले लिया, सोल्यूशन पहले मैंने बहुत खिला दिया कैलरी में, ये दाना इसको खिला रहे हैं, अच्छी तरह दाना खाना खा लेगा सही हो जाएगा। बिल्ली को बकरे से मिला देते हैं, वो जा रहा है ना, खा ले तू भी। खाना छोड़ के मेरे पीछे आ गया, मैंने इसको बोला, मैंने बुलाया भी नहीं फिर भी आ गया, खाना तो पूरा खा लो यार, खा लो, कहीं नहीं जा रहा। मैंने सोचा मैं साइड में बैठ गया तो ये खाना खा लेगा, तो मैं जाने लगा तो मेरे पीछे आने लग गया। ये देखें अभी आपको दिखाऊंगा, ये देखें इसके साथ मैं करता हूँ प्रैंक, मैं स्कूल में ऐसे यहाँ खड़ा हुआ है, मैं भाग जाऊँगा इसमें के पीछे आऊँगा नहीं। देखें यार ऐसा कोई बकरा होता है, इतना प्यार करने वाला बकरा, कर लो खारिश।
अभी ये बहुत खुश है आज माशाल्लाह। आराम से इसको खाना ने खिला के फिर बाहर और गया, बाहर भी फिर आने की कोशिश की मगर कसाई ने मना कर दिया बाहर, एक उसने बोला फ़ोन देख लेगा, इसको भी खाना खिलाया सही खाना खिला के, इसको पानी वानी पिला के दाना भी खिला दिया, अभी ये फुल इसका पेट भरा हुआ है, अभी खेल सकता है। अब इसका आपको घर दिखाता हूँ, ये तो छत पे बांधा हुआ था अभी। चलो 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 आ जाओ। ये मैंने घर बनाया हुआ, हर साल हर बकरे को यहाँ रख देता हूँ, कभी कोई जानवर रखना हो तो इसको यहाँ फिट कर देता हूँ। कोई दो दिन ही हुए इसको, इसने गंद कर दिया है, मगर अपना जहाँ बैठता है वहाँ इसने कुछ भी नहीं किया। धूप होती है यहाँ पे और जब छाँव होती धूप में फिर ये अंदर यहाँ चला जाता है, दिन में बाहर आ जाता है। ये इसका मैंने सेटअप बनाया था 2 दिन के लिए। कोई नहीं बेटा, नहीं खाते पौधे, नहीं खाते पौधे, ख़त्म कर रहा था यहाँ पे। कसाई भाई आ रहे हैं, उसका वेट कर रहा हूँ। हसन भाई ने भेजा, दिन का टाइम हो रहा, अब देखो कब तक आता है वो, कह रहा 5 मिनट तुम यहाँ खड़े हो जाओ, होटल होटल पर आ रहा हूँ। ये आ गया भी कसाई और बकरा जो आने वाला है। उसमें लहर मार रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये चटाई वगैरह बिछा दी है कोश के लिए, भी आया है वही बकरा जी बहुत देखने आया है। तो नाजरीन अब ये सारे पैक कर दिए नाम के साथ, इसको डालो यार फात भाई, इसको सब अंडे डाल दो। कुछ कुछ बढ़ने जा रहे हैं और ब्लॉग कर सकते हैं यहाँ पे, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ईद का दिन मेरा ऐसा कुछ रहा है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।